बंगाल की खाड़ी से बना चक्रवाती तूफान मोका अब पूरी तरह कमजोर हो गया है। तूफान का लैंडफॉल से पहले कई स्थानों पर तेज हवाएं और बारिश देखने को मिली थी। मोका के कारण बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। इस दौरान दोनों राज्यों में जमकर बारिश देखने को मिली। वहीं उत्तर भारत की बात करें तो गर्मी ने थपेड़े मारने शुरू कर दिए हैं। गर्मी पूरी तरह अपने चरम पर आ गई है, हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। इतना ही नहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार गर्मी कई सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार झुलसा देने वाली गर्मी से लोग परेशान हैं। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि गर्मी की तपिश से अगले कुछ दिन तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही IMD ने तापमान बढ़ने की आशंका जताई है। अब तो सुबह का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि दिन का तापमान लगातार 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब में भी भीषण गर्मी का कहर झुलसा रहा है। इन राज्यों में न्यूनतम तापमान 32 डिग्री और अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। इन राज्यों में अभी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में भीषण लू झेलनी पड़ सकती है और धूल भरी आंधी देखने को मिलेगी। गर्मी से सबसे ज्यादा बुरा हाल राजस्थान का है। यहाँ का अधिकांश इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। आगे राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक मध्य और पश्चिमी राजस्थान में यही स्थिति बनी रहेगी। लंबे समय से शुष्क मौसम ने उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी बढ़ा दी है। वहीं मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मध्यम से तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी और दक्षिण आसाम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी है। IMD के मुताबिक पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ 1 से 2 दिन में हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि मौसम विभाग ने पिछले दिनों एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि इस बार भीषण गर्मी पड़ेगी और 70 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटेगा। फिलहाल ऐसे में जरूरी है कि गर्मी से थोड़ी सावधानी बरती जाए।